औरतों की वजह से ही किस कौम में फितना फैला था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब आता हो तो काइंडली 7 सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया करें। औरत की वजह से किस कौम में फितना फैला था? बनी इसराइल की कौम में औरत के पेट में बच्चे के अंदर कितने दिन के बाद रूह डाल दी जाती है? चार माह के बाद बच्चे के अंदर रूह डाल दी जाती है। इंसान की रूह को जिस्म के कितने साल पहले पैदा किया गया था, क्या आप बता सकते हैं? 2000 साल पहले। एक कमरे में तीन गधे खड़े हैं, आप बताएं उनमें से सबसे ज्यादा जहीन गधा कौन सा है? वो गधा जिसकी उम्र सबसे कम है, क्योंकि बाकी दोनों बड़े गधे यानी कि बड़े बेवकूफ हैं। असलम अमजद के पीछे खड़ा है, मगर अमजद असलम के आगे नहीं, बताइए कैसे? क्योंकि दोनों अपनी कमर एक दूसरे के साथ लगाकर खड़े हैं। किस रोज मगरब की नमाज पढ़ना गुनाह है? अरफा के दिन मगरब और ईशा की नमाज एक साथ अदा करना। औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली खातून कौन थी, क्या आप बता सकते हैं? औरतों में सबसे पहले मुशरिक को कत्ल करने वाली हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पुप्पी हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अनहा हैं। वो कौन से दो कतरे ऐसे हैं जो जमीन पर गिरें तो जमीन रोती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दो मौके ऐसे हैं जिन पर जमीन रोती है। पहला मौका ये है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाए और मकतूल के खून का पहला कतरा गिरते ही जमीन रोती है। दूसरा मौका ये है कि जब जानी जना का इर्तकाब करने के बाद गुसल करता है तो पहला कतरा जमीन पर गिरते ही जमीन जोरों कतार से रोती है और कहती है कि इल्लाही मुझे इजाजत दे ताकि मैं इसको निगल लूं, तो आवाज आती है, थोड़ी देर सब्र कर जा, ये तेरे ही पास आएगा। अगर आपको किसी भी तरह का सवाल आता हो या उसका जवाब आता हो तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बता दें, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।